So, my dear friends, good afternoon. Myself Vivek Prajapati और Commerce Guruji में आपका स्वागत है. तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक. सो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, सो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक का हम लोग डिटेल अभी देखेंगे. पहला हो गया आपका जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम टेक्निक. एंड नेक्स्ट ABC एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेंट्री. विद वैल्यू एंड क्वांटिटी के हिसाब से इन्वेंट्री को सेग्रीगेट किया जाता है. देन FSN, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग आइटम एज पर द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर. नेक्स्ट हो गया वैटेड एसेंशियल डिजायरेबल प्रोडक्ट VED एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है. नेक्स्ट हो गया हाई मीडियम लो इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री. सो ये जो इन्वेंट्री टेक्निक्स है, इसके द्वारा जो कि हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं. तो मेरा पहले ऑलरेडी वीडियो 4-5 मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जैसे हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे कैसे खरीदेंगे, मीन्स खरीदना परचेज प्रोसीज्योर. नेक्स्ट हो गया स्टोरिंग, आप कैसे स्टोर करेंगे, बिन कार्ड स्टोर लेजर वगैरह मैंने समझाया था कैसे होता है डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर. फिर हम लोग देखे थे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, मीन्स कैसे आप मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल और ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कितना ऑर्डर क्वांटिटी देंगे. ये हो गया आपका इन्वेंट्री कंट्रोल. नेक्स्ट हो गया इन्वेंट्री कंट्रोल का जो हो गया हार्ड, व्हाट इज द डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक थ्रू व्हिच यू आर कंट्रोलिंग द योर इन्वेंट्री. तो पहले हो गया आपका जैसे जस्ट इन टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है. सो पहले जस्ट इन टाइम, व्हाट इज जस्ट इन टाइम मीन्स ये क्या होता है. देखिए ये जो टेक्निक है ना, ये जापान में बहुत फेमस है, इंडिया में भी. जैसे डेल कंप्यूटर भी जो आप लैपटॉप देखे ना, लैपटॉप डेल कंपनी, वो भी यही टेक्निक यूज़ किया था. और दिस इज द वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जस्ट इन टाइम एग्जाम में आ जाता है. तो उसको अच्छे से समझिए. जस्ट इन टाइम मतलब व्हेन देयर इज ए डिमांड और व्हेन देयर इज ए ऑर्डर इज प्लेस देन ओनली इन्वेंट्री इज परचेज. समझ में आया, जब ऑर्डर मिला तभी आप खरीदेंगे, खरीद के आपको इन्वेंट्री को स्टोर करना नहीं है, जस्ट इन टाइम. तो इसका दो है कि पढ़ते हैं इसमें क्या, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे समझते हैं. जस्ट इन टाइम इज द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री अप्रोच वेयर जीरो इन्वेंट्री स्टोरेज, देयर इज जीरो इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या रहेगा, जीरो इन्वेंट्री इन द स्टोर, मीन्स देयर इज नो इन्वेंट्री इन द स्टोर. According to this approach, material should be only be purchased when it is required for production. जब production का जरूरत होगा तब material खरीदेंगे, जब जरूरत नहीं होगा inventory नहीं खरीदेंगे, blockage of fund नहीं करेंगे. Next, it is based on two principles. दो principle पे based है. पहला हो गया product or goods when it is required. Second, product or goods should be delivered to the customer at the time when it they want. Means demand pull or pull through technique, system of production. Samjhe? In this system, production process are actually started after order of the product received. Based on demand of production process start and raw material sent to the purchase department for purchase. So, ek jo hai, एक डायग्राम में हम अच्छे से इसको समझेंगे. देखिए डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, पहले आगे क्या है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का डिमांड हुआ, सपोज एक कैलकुलेटर का डिमांड आया आपके पास, तो आप प्रोडक्शन क्या करें, दिस इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेटर डिमांड का आया. उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टार्ट प्रोसेस फॉर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चला गया इंडेट, चलो अब तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो है कि रिक्वायरमेंट सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट. परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्वेजेशन दे देगा स्टोर डिपार्टमेंट को कि हमको इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, कैलकुलेटर बिल ऑफ मेटेरियल जो हम लोग पढ़े थे, समझ में आया. तो जो है रिक्वायरमेंट सेंड कर देगा कि कैलकुलेटर बनाना है. तो क्या है, ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल सेंड बाय टू द सप्लायर. तो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा और फिर सप्लायर जो है मेट्रो मेटर सप्लाई कर देगा प्रोडक्शन में, फिर प्रोडक्शन विल स्टार्ट. इसको बोलते हैं पुल थ्रू टेक्निक और
जो हम लोग बोलते हैं इसको डिमांड पुल टेक्निक, समझ में आया। नेक्स्ट हो गया जस्ट इन टाइम, जो है कि इट इज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और एम प्रोड्यूस द रॉ मेटेरियल और लेबर दैट रिक्वायर्ड विदाउट इन्वेस्टिंग द स्टोरेज इट। मीन्स आपको स्टोर कॉस्ट नहीं चाहिए, जब डिमांड आएगा तब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करिएगा, ठीक है। सो क्या एडवांटेज अभी, सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्टोरेज ऑफ रॉ मेटेरियल, स्टोरेज ऑफ रॉ मेटेरियल कॉस्ट को कम कर देता है, दिस इज द एडवांटेज। सेकेंड, लेस इन्वेस्टमेंट इन द रॉ मेटेरियल, आप रॉ मेटेरियल खरीद के स्टोर में रखोगे तब ना पैसा बढ़ेगा, खर्चा पड़ेगा, आपका इन्वेंट्री जो है कॉस्ट लो हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी लो हो जाता है। नेक्स्ट हो गया स्पीड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ रॉ मेटेरियल इज अवेलेबल रेडीली, मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। जैसे आपका आप देखेंगे असेंबली, जो जैसे ऑटोमोटिव में बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता है, मैकेनाइज्ड होता है, मैनुअल बहुत कम होता है। देन एस्टिमेटेड लीड टाइम, द लीड टाइम इज बहुत कम, मीन्स जब प्लेस जो ऑर्डर आप प्लेस करेंगे बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। हेल्प फॉर शॉर्टर प्रोडक्शन रन, मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा नहीं होता है और स्मॉल प्रोसेस, मीन्स जो प्रोडक्शन इनपुट इनटू आउटपुट, मीन्स रॉ मेटेरियल टू आउटपुट कन्वर्सन, प्रोडक्शन प्रोसेस जो छोटा होता है जहाँ पर, उसमें ये जो टेक्निक यूज होता है। नेक्स्ट एस्टिमेटेड वेस्टेज बहुत कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, वेस्टेज कम होता है, ये हो गया आपका जस्ट इन टाइम का एडवांटेजेस। देन व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस, क्या होता है भाई, लीड टू पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स सप्लाई चेन मतलब रॉ मेटेरियल खरीदने तक और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने तक जो सप्लाई चेन होता है वो आपका सही होना चाहिए, आप ऑर्डर देते ही आपको सप्लायर सप्लाई कर देना चाहिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग हैव ए नो मार्जिन टू मेक एरर, मतलब 100% एक्यूरेसी प्रोडक्शन चाहिए भाई, प्रोडक्शन में कोई गलती का संभावना नहीं है, जैसे इंडिया गलती करते जाओ, मीन्स इन जापान जनरली दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, जो ऑटोमेटिव सेक्टर में बहुत यूज करते हैं, नो एरर, जीरो एरर, नो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, दैट अनेबल टू मीट द अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, अगर सडन ऑर्डर आ जाएगा या मैंने जो है कि अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाएगा तो आप जस्ट इन टाइम काम नहीं करता है। नेक्स्ट होगा नो टाइम फॉर रेंजिंग विथ ए कस्टमर, नो टाइम फॉर रिटर्निंग द कस्टमर, ठीक है। देन सक्सेस फैक्टर क्या है भाई, क्या क्या फैक्टर्स है, एक्यूरेट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक्यूरेट डिमांड आपको समझ में आता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, मीन्स ऑल द डिपार्टमेंट शुड हैव द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, अगर सब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन अच्छा से कर पाइएगा, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट शुड हैव द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तब जाके द स्ट्रीम टाइम काम आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, ये आप पूरा जो है कि इसको चार्ट को याद रखिएगा, ठीक है, समझ में। सो बेसिक मैंने आपको समझाया जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट हो गया हम लोग पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस, सो एबीसी एनालिसिस, तो क्या है एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ए बी सी का ए फॉर एलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल, ए बी सी एनालिसिस। सो इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू एंड क्वांटिटी, मतलब जो ए क्लास आइटम होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल आइटम होता है और उसका क्वांटिटी कम होता है, और बी क्लास का मॉड्यूलेट क्वांटिटी एंड वैल्यू, दोनों का लगभग 20-20% होता है, एंड सी क्लास आइटम जो है 10% जो है इसका वैल्यू रहता है बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, देखो चलो इसको टेबल का पहले आप देखो, दिस इज द मेथड ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडिंग द आइटम थ्री कैटेगरी ए बी सी ई, ए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम एंड सी इज द लोएस्ट इम्पोर्टेंट आइटम,
और जनरली ए ऑन फिनिश प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और फिनिश और असेंबली आइटम के लिए जनरली ये एबीसी कंट्रोल टेक्निक यूज होता है। सो जैसे यहाँ क्लास ऑफ आइटम इन्वर्टी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, ए बी सी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम देखिए 10% वैल्यू बी का, 20% और 70% वैल्यू सी का। मीन्स नंबर ऑफ आइटम कितना भाई नंबर ऑफ आइटम रहता है, नंबर ऑफ आइटम कितना परसेंटेज, नहीं तो वैल्यू, वैल्यू कितना रहता है भाई रुपीज में है, तो 70% वैल्यू, 20% वैल्यू, 10% वैल्यू। मीन्स एक क्लास आइटम का नंबर कम है, वैल्यू ज़्यादा है, बी का 20-20 50-50 लगभग 20-20% है। इसमें हो गया 70% जो है आइटम का क्वांटिटी रहता है बट वैल्यू ओनली 10%। सो कंट्रोल टेक्निक क्या ये होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ए के लिए, बी के लिए मॉड्यूलेट कंट्रोल, सी के लिए लूज मीन्स रख देते। जैसे आप घर में ही आइटम समझ लीजिए कि घर में अगर सोना है तो तिजोरी में रखते हैं और कम क्वांटिटी रहता है, ठीक है। अब बी क्लास आइटम जैसे राशन वगैरह है, ओके, मीडियम क्वांटिटी और आपको थोड़ा सा मीडियम ये में रखा जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं, मीडियम कंट्रोल में। बट झाड़ू, झाड़ू हो गया और अदर आइटम जो है डस्टबिन वगैरह बाहर फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, मीन्स क्वांटिटी तो बहुत रहता है बट वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो है ये जस्ट एग्जांपल था बट ये 100% तो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। सो ए क्लास आइटम देखिए, ए क्लास आइटम 70% वैल्यू बी सी, ठीक है। जैसे ये डायग्राम बनाया देखिए, क्वांटिटी यहाँ देखिए, परसेंटेज आइटम 20-40-60 ए, ये होगा क्वांटिटी, ये होगा परसेंटेज ऑफ वैल्यू। तो देखिए ये 20% आइटम, सॉरी, सो ये आपका आपके परसेंटेज ऑफ आइटम 20%, 40%, 60%, 80%, 100%। सो ये डायग्राम जो है ये आपका टोटल है। सो ये हो गया ए क्लास आइटम, ये हो गया बी क्लास आइटम, ये हो गया सी क्लास आइटम टोटल, समझ में। ये आप ये डायग्राम बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हो गया व्हाई द नीड ऑफ प्रायोरिटी आइटम एबीसी कंट्रोल। सो एबीसी मॉडल इन्वेंटरी कंट्रोल आर द कैटेगराइज द आइटम ए क्लास आइटम रजिस्टर हाई वैल्यू आइटम और एनुअल कंजम्पशन। वैल्यू बहुत ज्यादा है बट क्वांटिटी कम है ऑफ एनुअल कंजम्पशन साल में, जनरली 70-80% ऑफ एनुअल कंजम्पशन परसेंटेज ऑफ, अगर अबाउट 10-20% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री आइटम। मीन्स वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 70-80% वैल्यू रहता है बट क्वांटिटी मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 10-20% हम लोग कंजम्पशन करते हैं। बी क्लास आइटम का जनरली जो है वैल्यू जो है 30% रहता है और कंजम्पशन 15-20% जो है क्वांटिटी में रहता है, एक क्वांटिटी है। सी क्लास आइटम का जो है 5% वैल्यू रहता है बट इसका जो 50% से ज़्यादा इसका क्वांटिटी रहता है। सो ए बी सी कैटेगरी आइटम। नेक्स्ट हो गया हम लोग का ये जो है व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी ऑफ गवर्निंग द ए बी सी कंट्रोल। सो व्हाट इज द पॉलिसी हम लोग क्या लेंगे, ए क्लास स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल। सो ए क्लास आइटम का जो है सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल, ए क्लास आइटम को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे एंड गिविंग हाई सिक्योरिटी स्टोरेज, स्टोरेज में जो है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसको अच्छा से रखना पड़ता है एंड बेटर फोरकास्ट ऑफ सेल, सेल्स जो फोरकास्ट करने में बहुत अच्छा मदद करता है। नेक्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इज मोर, मीन्स फ्रीक्वेंटली ऑर्डर होते रहता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है तब जनरली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ज़्यादा रहता है एंड प्रायोरिटी मीन्स मैनेजमेंट गिविंग द प्रायोरिटी ऑन दिस आइटम ए क्लास आइटम। देन बी क्लास आइटम का जो ए क्लास से थोड़ा सा कम रहता है, मीन्स द आइटम आर नॉट इम्पोर्टेंट लाइक ए क्लास आइटम, जस्ट लाइक ए क्लास आइटम का जैसे इम्पोर्टेंस है ऐसे बी का इतना ज़्यादा नहीं रहता है। देन मॉड्यूलेट पोटेंशियल और इंक्लूजिंग ऑफ द ए क्लास, मीन्स ज़्यादा मॉड्यूलेट कंट्रोल रहता है, मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रहता है, मॉड्यूलेट कंट्रोल रहता है, मीन्स बहुत ऐसे भी नहीं कि नेग्लिजेंस करना बट ठीक होता है।
सी क्लास एटम हैज द लेस फॉलो पॉलिसी, मीन्स इतना ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसमें नहीं माना जाता है, और इसको जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी द कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, कंजम्पशन क्वांटिटी बहुत कम होता है, और बहुत ज़्यादा जो है कि एटम रहता है। ठीक है, ए बी सी एनालिसिस। नेक्स्ट हो गया एफ हेसन, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग एटम। सो इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड इन टू फास्ट मूविंग स्लो मूविंग नॉन मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस। कैसे आप लोग यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजेस इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस। सो फास्ट मूविंग एटम, इट द एटम आर क्लासिफाइड थ्री एटम, दैट इज एफ फॉर फास्ट मूविंग, एफ फॉर स्लो मूविंग एंड फॉर नॉन मूविंग एटम। द फास्ट मूविंग एटम आर नियरली स्टोर इशू पॉइंट एंड द रिव्यू फ्रीक्वेंटली, मीन्स ऑलवेज रिव्यू फ्रीक्वेंटली, मीन्स ए क्लास एटम को फ्रीक्वेंटली रिव्यू करता है मैनेजमेंट कि इसका, क्योंकि फास्ट मूविंग है, मीन्स कंजम्पशन बार बार होता रहता है। सो नंबर ऑफ प्लेस ऑफ ऑर्डर इज मोर, जितना ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा करते हैं इसमें, समझ में। नेक्स्ट आपका हो गया स्लो मूविंग एटम गिविंग स्टोर टाइटल, और इट इज द पीरियडिकल रिव्यू, मीन्स रिव्यू इज एज पर पीरियडिकल, मीन्स टाइमली रिव्यू, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, सो दैट इज पीरियडिकल रिव्यू इज मेड फॉर स्लो मूविंग आइटम। लास्ट हो गया नॉन मूविंग आइटम रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। अरे भाई आप ला के इन्वेंट्री रख दियो बट कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन नहीं है, इशू बहुत कम हो रहा है, तो क्या होगा, इन्वेंट्री ब्लॉकेज हो जाएगा। सो मैनेजमेंट शुड टेक ए एक्शन इन दिस रिगार्ड, सो हाउ टू डिस्कार्ड दिस इन्वेंट्री नॉन मूविंग आइटम को, उसको जनरली क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ इन्वेंट्री भी बोला जाता है। देन वीईडी एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल प्रोडक्ट, वीईडी एनालिसिस। सो वी फॉर वाइटल, दैट इज कॉल्ड हाईली इंपॉर्टेंट आइटम, दिस इज द हाईली इंपॉर्टेंट आइटम, एंड एसेंशियल मीन्स इट इज द मॉड्यूलेट इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलेट इंपॉर्टेंट, एंड सी क्लास आइटम आर लेस इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल, दैट इज डिजायरेबल इज लेस इंपॉर्टेंट। सो वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल, दैट इज योर मॉड्यूलेट, एंड डी फॉर डिजायरेबल और दैट लेस इंपॉर्टेंट आइटम। सो वीईडी एनालिसिस अंडर दिस आइटम एटम आर क्लासिफाइड और क्रिटिकली ऑन प्रोडक्शन फंक्शंस और फाइनल प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन जो है क्रिटिकल है, तो उसको बोलते हैं वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल प्रोडक्ट। जैसे वाइटल मीन्स अगर ये प्रोडक्ट नहीं होगा और ये आइटम इन्वेंट्री नहीं होगा, प्रोडक्शन बंद हो सकता है, सो दैट इज वाइटल, सो दैट इज वाइटल एंटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मीन देयर मे बी क्या प्रोडक्शन नहीं हो सकता अगर ये प्रोडक्ट नहीं हो। एसेंशियल जो हो गया जो है कि एसेंशियल प्रोडक्ट आर नॉट वाइटल, मीन्स फॉर एफिशिएंसी, मीन्स अगर प्रोडक्शन का एफिशिएंसी बढ़ाना है तो एसेंशियल है ये, मीन्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन, द एसेंशियल प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट डिजायरेबल मीन्स नॉट कॉजेस एनी प्रोडक्शन, मीन्स अगर नहीं भी होगा तो तभी प्रोडक्शन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिजायरेबल प्रोडक्ट द आइटम्स, मीन्स अगर ये प्रोडक्ट जो है नहीं भी, ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है, अगर नहीं भी होगा तभी प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, समझ में। सो जो एसेंशियल है वाइटल है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन, एसेंशियल है मॉड्यूलेट इंपॉर्टेंट, एंड डिजायरेबल मीन्स लेस इंपॉर्टेंट। देन सिमिलरली ऑल्सो एच फॉर द हाई मीडियम एच एम एल, हाई मीडियम लो कॉस्ट, जैसे ए बी सी एनालिसिस में वैल्यू के हिसाब से है, उसे कॉस्ट के हिसाब से भी आइटम आर क्लासिफाइड, हाई क्लास आइटम, मीडियम क्लास आइटम एंड लो क्लास आइटम, जस्ट लाइक ए बी सी एनालिसिस। सो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इन्वेंट्री इंटू थ्री कैटेगरी, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री गिवेन प्रायोरिटी कंट्रोल, मीडियम कॉस्ट
and low cost are given less priority. And SDE means S for okay, refer to the scarce atom. S for scarce and D for your difficult atom and E for your, it means easily acquired, easily available atom. SDE atom. समझ में? S for जो हो गया आपका scarce atom, जो मिलता नहीं, rarely available. Second हो गया D for हो गया difficult atom, means मिलेगा बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. E class atom are H for the easily acquired, means it is available, easily available in the local market also. So this is on the basis of problem or availability of material, SCD analysis होता है. So these are the inventory control techniques हम लोग पढ़े हैं, ठीक है. So my dear friends, thank you for watching. So अभी हम लोग जो एक खत्म किए ABC analysis and just in time BD analysis and FSN analysis, ये सब हम लोग खत्म किए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. एग्जाम ओरिएंटेड बहुत है और जस्ट इन टाइम को कभी मत बोलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिएगा और करिएगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.